तो बस ये शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की। ये है एपिसोड नंबर 24 है शायद से। और यहाँ पे हमारे पास प्रतीक भैया। राम राम, गुटन टाग। कुणाल, कुणाल इंडिया 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 जैसे इंडिया में ना, इंडिया में मैं जो बाल कटवाता था ना, इंडिया में बाल कटते थे मेरे 120 या 200 रुपए में कट जाते थे, मतलब 2 या 3 यूरो में कट जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर बाल कटवाने हैं तो 15 यूरो है, तो मतलब कुछ 1500-1400 के आसपास का सीन है यहाँ पे। अभी तो वैसे अभी बाल कटवाने की नहीं, उगाने की ज़रूरत है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो कटवाएंगे। सही शॉप है भाई, जैगूद जैगूद जैगूद। और 15 यूरो में काट रहे हैं, 15 तो बर्लिन में सारे 15 में नहीं काटते, बर्लिन 13 अच्छा 13 है, 2 यूरो फालतू ले रहे हैं। ठीक है यार, जगह हाँ, फैंसी फैंसी है, सही है सही है। आई गेट माई हेयर कट फ्रॉम हेयर नेक्स्ट टाइम। अभी तो बाल है ही नहीं, अभी तो उगाने की जरूरत है। बाय बाय, सही है भाई, सही है। हाँ, ऑर्गेनिक है, वीगन वगैरह नहीं चाहिए भाई, वीगन नहीं है हमें चाहिए, मांस मट्टी चाहिए, वीगन चाहिए। तो भाई यहाँ पे ये इनके पिज्ज़ा एटीएम्स हैं, जैसे अपने इंडिया में नॉर्मल एटीएम होता है, ऐसे यहाँ पे पिज्ज़ा एटीएम है, पिज्ज़ा मिलता है। बट प्रतीक भाई कह रहे हैं, प्रतीक भाई कह रहे हैं कि बकवास है बिल्कुल, तो फिर क्यों ट्राई कर रहे हैं। कितने यूरो का है वैसे? 10 यूरो आ रहे हैं, 2-3 यूरो का मिलता है। फिर अपना वो हर्बन प्लाट्स वाला जिंदाबाद, अभी तो अभी नए कुछ है ही नहीं यहाँ पे ना, बिल्कुल। बाकी भाई ये है किचन, ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम के जिस साथ में यहाँ पे किचन है। बाकी हाउस टूर की वीडियो है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो ना, अभी स्निपेट्स दिखा दिए। बाकी मेरे रूम उस साइड है, प्रदीप भैया का रूम उस साइड है, बाकी बालकनी तो अभी तो कुछ अंधेरा ही है, बाहर कुछ दिखेगा नहीं, बट है यहाँ पर लाइट वाइट है। यहाँ पर मैंने यूरोप में एक चीज़ देखी है, यूरोप में ना जो लाइटिंग सिर्फ किचन में अच्छी है यहाँ पर वाइट लाइट, और मुझे वाइट लाइट ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस येलो लाइट, क्योंकि ब्लॉग्स अच्छे वाइट लाइट में ज़्यादा बनते हैं। येलो सही है बट बहुत डल लगता है येलो में ना, जैसे आप देखो यहाँ पर ये वाला फ्रेम देखो और ये वाला फ्रेम देखो। लिविंग रूम यहाँ पे हमें मिले हैं 2 couches, ये मिली है टेबल, ये एक काउच है, एक टीवी मिला है, एक ये है। बाकी बाहर बालकनी है, बालकनी भाई फुल हाउस टूर जब वीडियो होगी ना, प्रॉपर लाइट होगी तब शूट करेंगे। ये एंट्रेंस है, बाकी यहाँ पे तुम्हारा भाई है, और यहाँ पे मेरा रूम है हल्का सा। हाउस से वीडियो जो प्रॉपर जब शिफ्ट हो जाऊँगा तब बनाऊँगा आराम से भाई। यहाँ पे किचन सेटअप हो रही है, यहाँ पे फुल गरम मसाला, चंकी चाट मसाला, सब सारा इंडियन खाना सारा। सही है। बाकी ये प्रोटीन शेक है भाई, देसी मैगी। नाइस, स्पेस तो है काफ़ी, ठीक है। अच्छा, ये बर्तन हमें इसके साथ ही मिलेंगे, फ्राइंग पैन ये सब? हाँ, ये तो मिलता ही है। हाँ, ओके, सही है। बाकी अपना कुकर भी है भाई यहाँ पे, तो जर्मनी में वो गैस वाली चीज़ें होती ना, गैस वाली नहीं होती, तो ये वाला इंडक्शन वाला चीज़ होता है। मैं भी यार कल परसों में करता हूँ, आज वैसे मूव इन करना चाह रहा था बट बहुत ज़्यादा ना, वैसे मैंने सामान मैंने खोला अपना हॉस्टल में, मैं यार इतना सारा सामान कौन पैक करे, मैं यार छोड़ा भी आराम से करता हूँ, थोड़ा बना के फिर करता हूँ आराम से। अच्छा, इसके अंदर तो फिलहाल अपार्टमेंट तो थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया, मतलब किचन में वही मसाले डाले हैं बस। बाकी फिलहाल अब यहाँ पे आ गए हैं मार्केट में, वही फिलहाल अभी हम खड़े हैं टर्किश रेस्टोरेंट के बाहर, लहसुन नाम है इसका, कुर्दिश इराकिश है ये ट्राई करने के भाई। यहाँ के ऐसे ऐसे आप दिल्ली में जेल रोड गए हो? तिहाड़ जेल के पीछे वो एक जेल रोड है। नहीं, ये बिल्कुल वैसी रिवाइज देता है, मतलब ऑफ कोर्स वैसे हौस खास जैसा लगता है। हौस खास मुझे हाँ। गलियों में भाई यहाँ पे खाने के बड़े फूड जॉइंट है, पहले एक बार चक्कर रेकी मारते हैं पूरी, फिर उसके बाद गेड़ी रेकी। तो भाई डोनर तो मिला नहीं, सोनर मिल गया यहाँ पे, सोनर इंडियन भाई मैं खाता हूँ यहाँ पे, मैं डिसअपॉइंट रहता हूँ इसलिए मैं इंडियन ना यहाँ पे नहीं खाता। बहुत अच्छा है वैसे, मैं इंडियन खा के ना मुँह से गाली निकलती है यहाँ पे, क्योंकि इतना घटिया बनाते हैं, और फिर मैं डिसअपॉइंट रहता हूँ इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि बाहर की कोई जैसे इटालियन या ये सब। तो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है, हमने कबाब ऑर्डर किया, तंदूरी कबाब ऑर्डर किया है, उसके साथ हमें फ्री में कुर्दिश कबाब। सही है, अजीब सा है, अजीब है
अजीब है, पता नहीं ये चीजें जो ज्यादा डाल रखी है, मुझे भी समझ नहीं आया। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा कुछ है, बट सही लग रहा है। या मे बी आई थिंक सही तो है, कुछ तो स्पाइसी है, लेकिन ऐसा स्पाइस मैंने इंडिया में नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। आई थिंक मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज ट्राई कर रहा हूं। ऐसी वाली अभी तो तभी तो मैं कह रहा था इंडियन रेस्टोरेंट को छोड़ो, आज लेट्स गेट डिसअपॉइंटेड ओवर कुर्दिश रेस्टोरेंट। आज कुर्दिश में डिसअपॉइंट नहीं, मुझे लग नहीं रहा भाई। अच्छा तो है, सही तो है, खूब है। असल कुर्दिश वाला आके यहाँ पे गाली निकाल रहा है, जैसे हम इंडियन रेस्टोरेंट में गाली निकालते हैं। ये होता है। जो एक ना टर्किश बंदा मुझे मिला जो मेरे जिम में आता था, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई डोनर कबाब से प्यार हो गया मुझे यहाँ बर्लिन में। कहता भाई यहाँ का डोनर कबाब बेकार है, वहाँ का अच्छा है। और इनसे अच्छे तो इनसे अच्छे कबाब जो असली ना वो तो बनते हैं अफगानिस्तान इंडिया और हमारे वाले है ना, वो इनसे तो मच बेटर है कबाब। सही में कबाब जो डोनर कबाब वाला कॉन्सेप्ट मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा। डोनर कबाब क्या है वो, वही शौर्मा है वो बेसिकली। शौर्मा को बस थोड़ा सा साले कबाब जो ये बनाते हैं इंडिया में, वो नहीं होता लैम कबाब जो मिलता है या चिकन का, उसको तू काट दे और वो उसी टाइप का, तो वो कीमा ही तो है, सैलेड डाल दो। सेम तो है, थोड़ा बहुत फर्क है। सही है, बट अभी मजा आ रहा है, हम कुर्दिश नहीं है तो मजा आ रहा है। यहाँ पे आ चुके हैं कबाब, यहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी है, थोड़ी सी किशमिश है। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि कुर्दिश और ईरानी। आपको क्या है, चिकन टिक्का? ऑनेस्ट बहुत सही, सही है। इंडियन वाले से तो बेटर है ना, इंडियन टाइप का ही है। मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कि आई थिंक बेस्ट मतलब इंडियन, उसके अलावा बेस्ट रेस्टोरेंट मेरे को मिला है जहाँ पे लहसुन तू खा के देख हल्का सा, थोड़ा तो इंडियन फील आ रही है, उससे तो मच बेटर है। वो कल का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कल वाला तो बहुत बकवास था भाई। ये देख कितनी आसानी से सॉफ्ट है, उसने सॉफ्ट तक नहीं बना रखा था, कच्चा था तो जूस कहीं गया। गाइस लहसुन इन कोटी कोइट्सबर्ग कोटबूसर टोर में लहसुन करके रेस्टोरेंट है, ईरानियन कुर्दिश। यहाँ पे आना है, हम फूड ब्लॉगर हैं। और भाई करते हैं इसका टेस्ट रिव्यू। ट्राई तो किया है मैंने, बट आई थिंक इसका अच्छा होगा, बेटर होगा। सही है, सही है। बिरयानी लहसुन भाई, लहसुन लहसुन सही है भाई, जेन्युइनली भाई यहाँ की बिरयानी। आई लव इट। तो भाई ये था लहसुन रेस्टोरेंट, नहीं किया तो भाई फिलहाल ये था लहसुन रेस्टोरेंट, काफ़ी सही खाना था भाई। दिस विल लाइक कुछ खाने ऐसे होते हैं जो ना हफ्तों तक याद रहते हैं, तो ये वाला खाना ऐसा था जो काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। मुझे तो मज़ा आया, सही था यहाँ पर, गुड। ये था भाई यहाँ पे बेसिकली, अगर देखोगे ना तो ये सब। बाय बाय। तो भाई अच्छा खाना खाने के बाद रीत कि मीठा तो बनता है, और ये जगह है पूरी टर्किश, सारी मिठाइयाँ टर्किश हैं। छोटी क्वांटिटी मिलेगी ना, मुझे तो एक ही पीस खाना है। सलाम वालेकुम ब्रात, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप तो एक छोटा यू गिव कोस्टेड आई एम उंगल से स्वाई बोलो आई एम उंगल 46 ओके, क्या मतलब दो एक डेढ़ यूरो का है। अच्छा कर लेते हैं, हां कर लेते हैं। फिर फोन फॉर आई एम जाएंगे, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ग्रॉस हां, ना 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 या दम हाफ इज क्लाइन एंड इज पूरा ओके। दीज कम टू हम दीज जैगूद हरियाणा के जैसे किसी गांव में बैठ के। हाँ हरियाणा में भी ऐसी होती है कुछ, ऐसी है सारी मिठाइयाँ ऐसी हैं। इवन जो भी हम खा के आए, हमने बिरयानी तो खाई है, नहीं हमने जो भी खाई है बिरयानी थी, उसमें कबाब था, बिरयानी थी नीचे। तो इंडिया में बिरयानी और वो तो होता ही है, मैं खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत इंडिया से मिलता जुलता था, तो इसलिए ज़्यादा खुश हो गया मैं। बट इंडिया की ऐसी कुछ है डिश, आई डोंट नो, होगी इंडिया में इतनी सारी मिठाइयाँ। इससे भी ज़्यादा बाप है इंडिया बाप है। मैं वाराणसी गया था भाई, वाराणसी में तो क्या क्या मिलता है, मतलब जो मीठा दिल्ली में नहीं मिलता वो वाराणसी में मिलता है। मज़ा आ गया आज तो, सही है यार, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा डेजर्ट खा लिया, अपार्टमेंट फाइनलाइज तो हो ही गया। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रतीक भी गए हैं नए वाले अपार्टमेंट में सोने, मैं अभी जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में सोने, क्योंकि अभी मेरा रूम थोड़ा सेट नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो जब हो जाएगा तब मैं शिफ्ट कर लूँगा। आई थिंक पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर पे शिफ्ट करूँ या उससे पहले करूँ, अभी कंफ्यूज हूँ मैं।
तो देखता हूँ मैं अभी, कुछ पता नहीं, मन करेगा तो कल उठा के आ जाऊँगा, नहीं मन करेगा तो भी न्यू ईयर बना के आऊँगा, तो देख लूँगा मैं। बाकी वीडियो का अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं, अंधेरा हो गया, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।